हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ फलहार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम उपवास के लिए रेसिपी बना रहे हैं। इसे आप स्टोर करके रख सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है नायलॉन साबूदाना। एक साबूदाना होता है जिसकी हम खिचड़ी वड़े सब बनाते हैं, ये उससे मोटे होते हैं दाने, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के मोटे दाने रहते हैं, ये बनाएंगे आज हम। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमें ज़्यादा घी नहीं लेना है। मैंने यहाँ 2 छोटी चम्मच घी लिया है। इसे हम गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें तलेंगे पीनट, मूंगफली के दाने। पीनट को हम आधा कटोरी लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, थोड़े ही घी में करेंगे। हम ये फलहार के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैं इसमें घी का यूज कर रही हूँ। आप तेल भी ले सकते हैं। मैं डीप फ्राई कोई भी चीज़ नहीं बना रही हूँ। सभी चीज़ें मैं बिना डीप फ्राई ही रोस्ट करूँगी। पीनट को हम मिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। जब तक ये अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाते, हम इसी तरह से मिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से रोस्ट हो जाए सभी एक समान। क्योंकि हम इसमें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम 2 चम्मच घी में ही पूरा रोस्ट करने वाले हैं। पीनट अच्छे से रोस्ट हो गई है, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा मैंने लिया है यहाँ ड्राई कोकोनट, इसे मैंने नाइफ की सहायता से लंबा लंबा काट लिया है। हल्का सा डालेंगे, इसे 2 से 3 सेकंड के लिए चला के बाहर निकाल लेंगे, जल्दी सिक जाते हैं। इसे ज़्यादा नहीं सेकना है हमें, ये सिक गए हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ी ली है मैंने यहाँ किशमिश, इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करके बाहर निकाल लेंगे। ये रोस्ट हो गई है, हम बाहर निकाल लेते हैं। 20 से 25 कड़ी पत्ता, इसे भी हम सेक के बाहर निकाल लेते हैं। इसमें अब बचा है 1 छोटी चम्मच घी। हमने 2 छोटी चम्मच घी लिया था, इसमें 1 छोटी चम्मच घी और डाल देते हैं। ज्यादा नहीं लेना हमें, थोड़ा सा लेना है। गैस को लो फ्लेम पर रखना है। जो साबूदाना लिया है हमने नायलॉन साबूदाना, इसको हम रोस्ट करेंगे, हल्का मिला देंगे अच्छे से। इस तरह से चला लेंगे। इसे बनाने से पहले आप अच्छे से धूप लगा लें ताकि अंदर तक अच्छे से कुरकुरे हो जाए। इनको हमने अच्छे से घी में मिला लिया है। अब हम इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम पर पॉपकॉर्न की तरह इसे फूलने देंगे। बीच बीच में चेक कर लेंगे, एक बार हम इसे बीच में चेक कर लेते हैं। ये देखिए, फूलना शुरू हो गया है, ये इसका कलर चेंज हो गया है। इस तरह से मिला देंगे एक बार, इसे ढक के फुलाएं, ये उछलते हैं। एक मिनट बाद दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से फूलना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये इसी तरह से हम बीच में चेक करते रहेंगे और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। इसमें जो आवाज आ रही है, फूलने की आवाज आ रही है, आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फूलने दें। हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर भी ये जल जाएंगे। इसे बनाते वक्त ध्यान रखें कि बीच में इसे चेक कर लें। ये देखिए, हमारे पूरे नायलॉन साबूदाना फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे नीचे उतार लेते हैं। ये देखिए, बिना डीप फ्राई किए ही हमारे कितने अच्छे सूखे सूखे पॉपकॉर्न जैसे बन गए हैं। ये ध्यान रखें कि इन्हें
बनाते वक्त अच्छे से करारी धूप लगा लें, नहीं तो ये मुंह के चिपकने लगेंगे दांतों के नीचे, जिस तरह से पॉपकॉर्न को बनाते वक्त हम अच्छे से धूप लगा के बनाते हैं। अब हम इसे इस पर मिला देंगे। इसमें डालेंगे हम काली मिर्ची पाउडर, सेंधा नमक डालेंगे, उपवास के लिए बना रहे हैं, सेंधा नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फलहार बनकर रेडी है। ये बहुत जल्दी बच जाता है और इसे आप स्टोर करके महीने भर रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।